लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के हमलों से तिलमिलाई भाजपा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान शुक्रवार को जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। राफेल डील पर देश के कई हिस्सों में हो रही हिंसा पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी के आरोपों से तिलमिलाए भाजपा ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। राफेल डील को लेकर राहुल के आरोपों से भाजपा लेकर ज्यादा परेशान है, इसलिए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बीजेपी सांसद संसद के सामने गलत तथ्य रखने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर रक्षा मंत्री को घेरा। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रों ने उनसे कहा है कि राफेल जेट विमान पर भारत के साथ उनका कोई भी गोपनीय समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में देश से झूठ बोला है। राहुल ने कहा कि यूपीए सरकार में प्रति विमान की कीमत 520 करोड़ रुपए थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए और कुछ जादुई शक्ति के साथ प्रति विमान इनकी कीमत 1600 करोड़ रुपए हो गई। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ है। उन्होंने कहा था कि वह मूल्य के बारे में बताएंगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि वे ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रांस और भारत सरकार के बीच गोपनीय समझौता हुआ है। जेड न्यूज की रिपोर्ट।